नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए कमाल के फ्रेश ब्लॉग में। आज हम आए हैं अपने जिले की काफी फेमस यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और आज हम आपको पूरे यूनिवर्सिटी का कंप्लीट कैंपस टूर कराएंगे। तो आइए चलते हैं यूनिवर्सिटी में। आए हैं जिले जौनपुर की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर हम आपको आज पूरा इसका कंप्लीट कैंपस टूर कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, और यहाँ पर जो हॉस्टल है, यहाँ पर जो और भी चीज़ें हैं, यहाँ का जो भी मतलब कि बिल्डिंग्स हैं, और पूरा होल कैंपस टूर कराएंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये मेन गेट है, हम लोग अभी एंट्री लिए हैं, और ये वीर बहादुर सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व CM थे, और ये दिख रहा है प्रशासनिक भवन जहाँ पर वाइस चांसलर रहते हैं। तो चलिए आपको आज दिखाएंगे और पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर कराएंगे, यहाँ पर क्या क्या बिल्डिंग है, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, पूरा होल कैंपस टूर। तो अभी देखिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए ये है गांधी वाटिका जो छोटा सा एक गार्डन है, और बाकी ये आप आगे देखिए है संगोष्ठी भवन, मतलब यहाँ पर जो भी इवेंट होते हैं, मतलब कि कोई भी इवेंट हो, फ्रेशर पार्टी हो, और कुछ भी, कोई भी यहाँ पर नया गेस्ट आए, अभी आपने एक देखा हो बेटी यहाँ पर रामदेव जी आए थे, तो जो भी इवेंट होते हैं यूनिवर्सिटी के सब यहीं पर होते हैं। तो इसका नाम संगोष्ठी भवन है, उसका नाम कुछ है महंत अवैधनाथ के नाम पर कुछ रखा गया है। आपको यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ MBA, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, सभी ऐसे सभी सबको दिखाएंगे। और अभी ये पीछे देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है, और हिंदी में भी लिखा हुआ है नवीन संकाय भवन। यहाँ पर लाइक बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी कोर्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इस साइड देखिए सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो आप ये पूरा देख लीजिए, और बगल में आप देखना चाहेंगे तो देखिए इस साइड है फैकल्टी गेस्ट हाउस। हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, लाइक MBA, BTEC, और जितने भी सारे कोर्सेज हैं, D Pharma, BA, BSc, MSc, हम सब कुछ दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, हम एवरीथिंग को कवर करने वाले हैं और पूरा आपको एक कंप्लीट टूर देंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यहाँ पर जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है इस पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप चाहते हैं उसका एक कंप्लीट कैंपस टूर मिले, तो आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं। और ये बगल में देखिए आपका एक NSS भवन दिख रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना भवन, और ये बगल में देखिए ये है कैफे संचार भवन जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ की आप रोडे देख ही रहे होंगे, और यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीनरी है। तो अभी देखिए हम चलते चलते आ गए हैं, यहाँ पर एकलव्य जी की मूर्ति है और आगे एकलव्य स्टेडियम है, और शायद ये फाउंटेन के लिए कुछ बनाया गया है, अभी तो फाउंटेन शायद नहीं चल रहा है। और देखिए इस साइड विश्वकर्मा छात्रावास जाने के लिए रास्ता है, और ये आप देख रहे हैं पूरा आप इलाका देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जो एडमिशन लेने वाले हैं तो आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिए। ये पीछे आप देख रहे होंगे एकलव्य स्टेडियम है, अभी हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए आपको दूर दिख रहा होगा, वहाँ पर हॉस्टल दिख रहा होगा, विश्वकर्मा हॉस्टल, तो उसका रास्ता यहाँ से होके जाता है। अभी आप ये देख रहे हैं पीछे कोई नई बिल्डिंग बन रही है, इसका भी काम जारी है। और ये बगल में देखिए यहाँ पर आप दूर देख रहे हैं, काफ़ी दूर है तो वहाँ पर हम अभी नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर दो हॉस्टल हैं, एक का नाम है CV Raman और एक का नाम है चरक। जो CV Raman हॉस्टल है वो थर्ड ईयर और जो फोर्थ ईयर में रहते हैं उनके लिए है, और जो चरक हॉस्टल है वो है सेकेंड ईयर वालों के लिए। हम मुक्तांगन परिसर में बैठे हैं और यहाँ पर काफी शांति हमें महसूस हो रही है, देखिए काफी पेड़ लगे हुए हैं, पीपल के पेड़ हैं और भी काफी पेड़ लगे हुए हैं, और देखिए बगल में मंदिर है, ये आप बगल में देखिए यहाँ पर एक बगल में मंदिर है, और ये पूरा परिसर मतलब बैठने के लिए है, यहाँ पर मतलब कोई भी आके बैठ सकता है, और काफी मतलब अच्छा है, मतलब कि बहुत ही शांति का माहौल है यहाँ पर।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ। अभी आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस फॉर स्टडी एंड रिसर्च, यहाँ पर पीएचडी की पढ़ाई होती है। अभी आप IBM डिपार्टमेंट देख रहे हैं, आप इसकी बिल्डिंग देख लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ मेरे को सही लग रही है कि यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी देखिए इसी रोड पर, जो एक रोड है जस्ट मेन गेट से साइड में रोड है राइट साइड में, इसी पे सभी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट इसी रोड पर ही बने हुए हैं। ये IBM डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। और अभी आगे हम आपको बी फार्मा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिखाएंगे, जो कि अभी आगे चल के जो उसकी बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर है। अभी हम पहुंच गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, यहाँ पर बी फार्मा डी फार्मा जैसे कोर्सेज चलते हैं। अभी हम इस रोड पर आखिरी डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उमानाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस डिपार्टमेंट में बीटेक के कोर्स चलते हैं और सभी ब्रांच के कोर्स लगभग यहाँ पर चलते हैं बीटेक के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सभी ब्रांच के कोर्स चलते हैं। और अभी ये पूरी जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सामने वाली, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, और फिर फर्स्ट ईयर के बाद वो सेकेंड ईयर से जो उनका पूरा अलग बिल्डिंग होता है उस डिपार्टमेंट का, वो वहाँ पर पढ़ते हैं। और अभी आपको दूर दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अभी आपको जो सामने दिख रहा है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और जो लेफ्ट साइड में है वो है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पर देखिए पास में ही वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप, जहाँ पर जो भी मैकेनिकल लैब्स होती हैं यहीं पर होती हैं। तो अभी हमसे जो भी हो पाया हमने आपको दिखाया, और अभी हम यहाँ पर और भी काफ़ी इलाके हैं लाइक कॉलोनी और जहाँ पर फैकल्टी रहती हैं और सब रहते हैं। और देखिए बगल में देखिए विश्वकर्मा छात्रावास है, जो भी लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं सभी बच्चे यहीं पर रहते हैं पूरे एक साल तक। और बाकी आप लोग को हमने यहाँ का जो भी कैंपस टूर है दिखा दिया, और बाकी जितने भी इलाके हैं यहाँ पर सबको दिखा दिया यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर अब कैसा एजुकेशन है, क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था एक अलग चैनल पर, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख लीजिएगा। और बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग हम आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका उसका हम जितना हो सके उतना आपको जवाब दे देंगे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।